गल गल माई बेटा लिखावे वो दिन बियन विश्वकर्मा जैसे हम लोग थाने में से निकलत है वैसे अपन चरपहिया लेके आगे लिख चले आवे यह से कचरे की कोशिश करे यह से कचरे की कोशिश करे हम वीडियो बना ले ले रही है आ जहाँ कुछ नहीं ना हमसे मिले ही ना कबू हमारे लड़के पूछ क्या कंडीशन है अभी बच्ची का और कहाँ इलाज चल रहा है। हमारे लड़की का जब से उनके घर से हम हटल बाटी दिल्ली से लगाए गोरखपुर से लगाए पीजीआई तक आज तक ले हम अपन लड़का लेके दौड़ता बाटी एक रुपया कहीं इज्जत नहीं मिला था। हमारे माई बेटा फिर भाग के थाने में गल गई कहा गए हमन का जान नहीं बची दारोगा साहब हम नहीं जावे बाहर जाते जन विश्वकर्मा हमारे गाड़ी अपने गाड़ी से ठोकरे खतिन के उठू कर था फिर हमारे बेटा हम दीपक घर में वहाँ थाने में भाग गल गई अने के कहा था वो बच जाइए अनिक हो जाइए इके नहीं कहा था बस भगवान के भरोसे यार बस दौड़त बाटी चारों ओर से पराजमल बस सब चढ़ल दस पाँच के तो कहा लिए साहब हम नहीं जाएंगे हम लोग बहुत खतरा हुआ बाहर नहीं जाब हम तो कहा तुम्हारे जाइए जा कुछ होगा जीवन विश्वकर्मा उसका जिम्मेदार होंगे उनके बेटे होंगे इतना मन बड़े कर रहे हैं और तुरंत हम उनकर गाड़ी का वीडियो बना लेके हुए अब मुझसे कब तक मानी नहीं। और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में और जैसा कि अवैध अस्पतालों के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ कर रखी हुई है इसी क्रम में एक मामला हमारे संज्ञान में आया है जबकि ये मामला कहने को तो जनवरी महीने का है जहां पर एक अस्पताल में एक 20 वर्षीय लड़की का इलाज किया गया और इलाज के दौरान ये बताया गया कि उसको पेट में पथरी है लेकिन इसकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि उसके पेट में पथरी है या नहीं है। डॉक्टर ने सबसे पहले जो उनके जानने वाला अल्ट्रासाउंड वाला था वहां पे भेजा। ये खेल कैसे चलता है ये सबको पता है लेकिन पीड़ित जो परिवार है वो उस अल्ट्रासाउंड सेंटर पे ना जाकर दूसरे अल्ट्रासाउंड सेंटर पे चला जाता और वहां से रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर साहब ये देखते हैं बताते हैं कि जो लड़की है उसके पेट में जो है पथरी है और उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। लड़की को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और भर्ती होने के बाद फिर उसको दवा वगैरह देके उसका जो है इलाज शुरू किया जाता है लेकिन रात के समय में जब उसको दर्द ज्यादा होता है तो जब पीड़िता की जो माँ है वो ऊपर आवाज लगाती है डॉक्टर साहब अपने बच्चे को भेजते हैं और बच्चा जो है दो इंजेक्शन जो इंट्राकैप हाथ में लगी हुई थी उसमें लगाता है और दो जो है कूल्हे पे दो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कुछ समय के बाद जब दर्द और ज्यादा बढ़ता है तो उसके बाद फिर से जो है डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं कि आप लोग हमें रात में सोने नहीं देंगे ऐसा पीड़िता की मां का आरोप है। उसके बाद जो है फिर दो इंजेक्शन और लगाए जाते हैं जिसके बाद उसकी तबीयत लड़की की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। खराब होने के बाद उसको लोग वहां से हटाते हैं और इस क्रम में उस पीड़िता की मां ने गीडा थाने में एक तहरीर दी और पीड़िता की मां का यह भी आरोप है कि जब वो लोग तहरीर देकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक कार थी जो कि ब्रेजा कार थी वो उन लोगों को कुचलने का प्रयास भी कर रही थी। इस मामले में एक जांच कमेटी का गठन भी किया गया था सीएमओ साहब की अगुवाई में एक जो है एक जांच कमेटी का गठन किया गया जिसमें कुछ डॉक्टर्स के पैनल बैठाए गए थे और फाइनली फिर उस अस्पताल को एक क्लीन चिट दे दी गई कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। जिसके बाद पीड़िता के परिवार वालों ने डीएम कार्यालय पे धरना प्रदर्शन किया जिसके बाद एक बार फिर से जांच बैठी और इस बार जो जांच है वो एडी हेल्थ को सौंपी गई है। इस संदर्भ में जब हमारी एडी हेल्थ से वार्ता हुई तो उन्होंने ये बोला कि जो जांच होगी निष्पक्ष होगी लेकिन जांच कितनी निष्पक्ष होगी ये तो आने वाला समय तय करेगा। आपको ये भी बताते चले कि जनवरी माह की घटना है और अभी अप्रैल चल रहा है लेकिन अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं अस्पताल की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है और ये अस्पताल नौसढ़ से जब हम कौड़ीराम रोड की तरफ जाते हैं तो एकला के पास स्थित है जहां पे जो डॉक्टर है वो बीएमएस है लेकिन जो रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस के द्वारा तैयार की गई है वहां पे ये बताया गया है कि जिस डॉक्टर ने इलाज किया है वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं लेकिन जो पीड़िता है वो इस कंडीशन में है इस स्थिति में है कि वो अच्छे से बता सकती है कि उसका इलाज किसने किया था। आपको ये भी बताते चलें कि जैसा पीड़िता की मां का आरोप है उसका इलाज पीजीआई और एम्स में भी उन लोगों ने कराया है और ये बताया वहां के डॉक्टरों ने शायद उस लड़की को जवाब दे दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 महीने तक ही केवल जीवित रहेगी और लड़की अभी पैरालिसिस हो चुकी है यानी कि लड़की अभी पूरी तरीके से बेड पर है
अब ये लापरवाही किसकी तरफ से हुई है ये एक जांच का विषय है, लेकिन गोरखपुर में जिस तरीके से ये काम हो रहे हैं और हमारे माननीय सीएमओ साहब जिस तरीके से महाभारत में भीष्म पितामह का एक कैरेक्टर था जो अपनी आंखों के सामने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखते हुए और ये जानते हुए कि ये गलत हो रहा है उन्होंने अपने मुंह को बंद रखा, कुछ ऐसा ही गोरखपुर में हमारे सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे जी भी कर रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, ऐसी कार्यवाही होगी कि सात पीढ़ियां जो है याद रखेंगी, लेकिन कार्यवाही कहीं कुछ भी नहीं हो रही है, सिर्फ केवल हवा हवाई है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि रामनवमी के दिन या उसके अगले दिन जिनके संरक्षण में इस तरीके के अस्पताल चल रहे हैं उनका खुलासा हम करेंगे, कौन सी टीम कहां गई थी, किसने क्या किया, इसका सारा विवरण हमारे पास मौजूद है। इस क्रम में पीड़िता की मां ने जो हमें अपना बयान दिया है वो बयान हम आगे की इस खबर में आपको दिखाएंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को पूरा देखें, इस खबर को पूरा देखें और पीड़िता की मां ने जो आरोप लगाए हैं उसको भी पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा। हम किसी खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम आपको फिर से बता रहे हैं जो पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है, जो चंद्रा हॉस्पिटल जो आपका एकला पे है उस पे जो आरोप लगाए हैं वो पीड़िता की मां का बयान इसमें दर्ज है, जो उन्होंने हमें अल्ट्रासाउंड और जांच की रिपोर्ट हमें दी है वो सारे पेपर हमारे पास साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा गीता देवी नाम है। कहाँ के रहने वाली? इंदर चगना सड़क का। थाना डीडा हमारा है। क्या मामला है? मामला ये है सर, हमारे लड़की करिश्मा निषाद हैं, उनके पेट में दर्द आ रहा है तो हम बी एन विश्वकर्मा के यहाँ एकला बाजार के लेके उनको हॉस्पिटल वाले गए ली तो कहा बात है कि क्या हुआ हमका सर थोड़ा दर्द है पेट में दवा दे दीजिए, तो कहा था हमको शंका लग रहा है पथरी का अल्ट्रासाउंड करवाइएगा, तो उ जहाँ भेजल वहाँ ना हम गए ली, गलती थोड़ा हमार हो गया, हम दूसरे ठहर चल गए ली तो वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के ले ली तब भर्ती कर लें, कात में 7 ml का पथरी है 4 ml का है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा 7 दिन 6 दिन हमके भर्ती करे पड़ी, काली ठीक बात तो भर्ती कर आना है, तो दिन भर बीतल तो ठीक रहा है, साँझ 2 बजे रात के उनका एक पेट दर्द करे लगल तो हम बुलौली डॉक्टर साहब हेठे आइए इतना ही लें, तो उनका लड़का एक गौरव नाम पप्पी पर भी सब कहाला तो वह अलें तो दूठी पुट्ठा पर लगौल एक हाथे में जहाँ पानी चढ़ेला एह में लगैलें, और बाद हम जानते 10-15 मिनट ले ठीक रहा है तो फिर दर्द होए लगल तो हम कहा डॉक्टर साहब कि कैसे बोला अभी नहीं ले हैं आ चुपचाप कैसे सुतो, तो 4 बजे ले फिर दर्द उभरल है तो बोलौली ना अलें हैं, तो एक लड़की वही भर्ती रहा तो कहत या ही नंबर लिखल बा उनके फोन करके बोला ला तो हम कहा हमारे ना लगा वाला फोन दूहे दिले बेचे लगा तो बात कैली तो रिसले अलें गौरव उनका पप्पी नाम है, डॉक्टर नहीं आए अने कोनो स्टाफ रात में रखे नहीं। ये पप्पी कौन है? कोई डॉक्टर विश्वकर्मा का बेटा हम छोट वो मैच उच खेलते हैं वही आए दोहरौनी जाए फिर 4 बजे तो कह रहे हैं गुस्से से आए कह रहे हैं और यही पर हम लोग सोते के लिए नहीं है सोना हराम करी रुको तुमको ऐसा सुई लगाऊंगा जिंदगी भर सोते रह जाबू हम कल ये बाबू ऐसा न कहा हम शादी सगाई के डेट डरले बैठी ब्याह करे पतरी भात मुड़ी कहाँ इधर से कहा थोड़ा कहा कैले दोनों पुट्ठा पर लगे लें एक सुई हे गाँव सुता के रेड़ के हड्डी पर लगे लें जब ओस लगे लें तो जब रुई रहा है हम ऐसे कैली ऐसे रुईया कई के कैल हम चित कैली रुईया तो देखे थे खून हमारे लगल है रुईया में तो बल्कि हम कहाली कि यह कौन सुई लगल का था जौन कहीं पापा उहन लगाई ऑपरेशन में जो सुई लगता है उस सुई हमने लगाए हैं और बाद सुइया लगौते और बहनी लगल छपिया लगल घबराहट एकदम बेचैनी छाले हल एकदम रोए लगल हम रोए लगली हम कहाली का डॉक्टर साहब हेठिया ये का होगा बड़ी देर के बाद यही ना जब एक आके ऐसे ऐसे लड़खड़ाए लगल तब आके मारत हम हे लड़की आँख मत मुनला अब एकदम घबरात रही है तब रोत गाओ तो कहा तटे दूसरे ठहर जेबू नकिया में नली डरी हैं मुहा में नली डरी हैं घर के बेटी हो पड़ल रहाई ऐसी ऐसी हम लोग को बहुत झेलाएँ हम लोग को झेला झेलाओ तो भी नहीं से 10:30 बज गए आ उतर के अले आ चेर ले घबराहट रहा उनके अंदर कहीं बैठे कहीं बैठे लेकिन हम कहते रह गए किसी अच्छा डॉक्टर के बुला दीजिए चाहे कौन बढ़िया अपना इलाज करिएगा डॉक्टर साहब का होगा अगर लड़की सू लगा तब
पूरा देह पर लाए जो हमारे लड़की बाकी डॉक्टर साहब कोनो मदद हमार कैलन आई आ लेटे उतर के अल हमार चिल्लात रोत गाँव साढ़े 10 बजे 4 बजे से 10 बजे दिन तक उनके घरे हमार रही आ कैमरा में देख ले कैमरा तुड़वा दिले बाप लेकिन हेटे उतर के अल नही बत्ती बत्ती बात का हो हमके गाड़ी उतर भी दे तो इस संबंध में आपने किसी थाना चौकी पर थाना चौकी साहब हम गयी 8 दिन के बाद बड़े मसगर से हमन के थाने गल गए एप्लीकेशन नहीं हमन के लिखा था फैया नहीं लिखा था ये लिखा तो रहा है कहीं आज ना लिखा है बिहान लिखा है परसों ऐसे करके सब तड़का देते रहना है आप गल गल माई बेटा लिखावे वो दिन बीएन विश्वकर्मा जैसे हम लोग थाने में से निकलत है वैसे अपन चरपैया लेके आगे लिख चले आवा यहाँ से कचरे की कोशिश करे यहाँ से कचरे की कोशिश करे हमारे माई बेटा फिर भाग के थाने में गल गई कह गए हम उनका जान नहीं बची दरोगा साहब हम नहीं जाए बाहर जाते जन विश्वकर्मा हमार गाड़ी अपने गाड़ी से ठोकरे खतिन के उठू कर था मैं फिर हमार बेटा हम दीपक घर में वहाँ थाने में भाग गल गई तो कह लिए सर साहब हम नहीं जाएंगे हम लोग बहुत खतरा बा बाहर नहीं जाब हम तो कहा तुम्हारे जाइए जा कुछ होगा जीवन विश्वकर्मा उसका जिम्मेदार होंगे उनके बेटे होंगे इतना मन बड़े कर रहे हैं आ तुरंत हम उनकर गाड़ी के वीडियो बना लेके हुआ बा मुझसे कब तक मानी नहीं हम वीडियो बना ले रही है आ जहाँ कुछ नहीं ना हमसे मिले ही ना कबू हमारे लड़का पूछा मैं क्या कंडीशन है अभी बच्ची का और कहाँ इलाज चल रहा था हमारे लड़की का जब से उनके घर से हम हटल बाटे दिल्ली से लगाए गोरखपुर से लगाए पीजीआई तक आज तक ने हम अपन लड़का लेके दौड़ता बाटी 1 रुपया कई जस नहीं मिला था अन्य केहू कहा था वो बच जाइए अन्य को जाइए केहू नहीं कहा था बस भगवान के भरोसे यार बस दौड़त बाटी चारों ओर से पर अजमल बस सब चढ़ल 10 पाउच के अब सब हमके जवाब मिल गए कि ठीक नहीं हुई है अब घरे ले जा जी आवा की आवा तो क्या चाहते हैं इस मामले में हम ये चाहत बाटी कौन का हॉस्पिटल बंद हो गया जैसे हमारे बेटी जीवन खराब कैल है और केहू के लड़कन के जिंदगी खराब करी न करे अगर हॉस्पिटल खुलल नहीं तो फिर ऐसा ही फिर करिए घटना फिर हो के बाल बच्चा कोख नहीं उजर